पटना साहिब गुरुद्वारे और बाल लीला गुरुद्वारे को बम से उड़ाने की धमकी के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन समिति सजग है। धमकी के बाद हमारे सहयोगी एस एन श्याम ने गुरुद्वारे का जायजा लिया। दो पत्र मिले, एक्चुअली में एक पोस्ट था, उसमें एक धमकी वो दी हुई थी कि सम रंजन कुमार करके ये जो पत्र या उनका फोटो कॉपी है, ये इन्होंने धमकी दी कि 50 करोड़ रुपया दिया जाए, नहीं तो आपका गुरुद्वारा और साथ में बालीला जो कर इस पर हम लोग उड़ा दें, ये कर देंगे। तो हम लोगों ने उसी दिन इसका इसको लिए यहाँ कि जब खालिस्तान का जो फंडामेंटलिस्ट है वो सब का कोई चक्कर ये सब नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि गुरुद्वारा की सुरक्षा को लेकर के किसी ने जरूर इस तरह की साजिश की है। अब ये क्या किसने क्या की है ये तो समझो, जो पकड़ा जाएगा, जो कि जब पकड़ा ही जाना है तो पता चल जाएगा कि किसी पागलपन ने किया, किसी ने मजाक क्या किया है, वो सामने आ जाएगा। आपने सुरक्षा की जो मांग की, डीजीपी को पत्र लिखा, एसएसपी को लिखा, हम लोग इस पत्र को गंभीरता से कहीं ना कहीं लिए हैं? नहीं तो हम लोग तो ऑलरेडी हम सरकार ने हमें दी हुई है, सैफ के भी जवान हमारे पास दिए हैं, दूसरी और भी पुलिस के भी हैं, लेडीज का भी एक टीम है, तो वो तो सरकार ने तो जो हमें जरूरत थी वो तो हमको अप्लाई उन्होंने दिया हुआ है। इधर तो इधर से हम लोगों ने भी अपनी भी सुरक्षा को कुछ को टाइट कर दिया है, अपने भी आदमी लगा दिए हैं कि जगह जगह और निगरानी को ठीक से उसको देखने के लिए आदमी एक्स्ट्रा आदमी हम लोगों ने लगा दिया गया है। तो सूचना तो देनी पड़े क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा स्थल है, यहाँ का तो सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है, तो नेचुरली है कि हमें सब ऊपर तक तो खबर करनी थी। लेकिन खबर जो आपने किया तो सरकार ने आपसे कोई बात की या फिर कोई आश्वासन दिया आपको? हाँ बिल्कुल दिया, आश्वासन दिया, खुद आते हैं चेक, वो भी घूमते हैं, पहरा देख के जाते हैं, हम लोगों ने भी उन लोगों से गाइडलाइन ली है किस तरह से सिक्योरिटी को ठीक ठाक किया जाए, वो हम लोग प्रबंध आपस में हम लोगों ने बैठ कर सब कर लिया है। तो ऐसे कोई जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो हम लोग ले रहे हैं इसका। तो ये थे महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन जी, जो तख्त हरिमंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं, महासचिव हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी अपनी तरफ से पूरी तरह चौकस है, इसने भी प्रशासन के साथ मिलकर अलग से अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की है। कैमरा पर्सन कृष्णा कुमार के साथ एस एन श्याम, लाइव 7, पटना साहिब, पटना।